आप सब जानते हैं कि हमारा चैनल है HVAC Insights। तो आज हम डिस्कस करेंगे अपने AHU के बारे में कि जो हमारा AHU है, एयर हैंडलिंग यूनिट, जैसा कि हमारे पास ब्रांड है डाइकन का। तो आपको पता है कि हम सब ब्रांड्स पे काम वगैरह करते हैं, तो आज हम आपको बताएंगे कि हमारा AHU क्या होता है और किस तरह ये काम करता है। तो अभी हमने रिसेंटली इसकी AHU की अपनी कमीशनिंग वगैरह की है, तो आज हम आपको लेके चलेंगे जी अपने AHU की तरफ और कि AHU हमारा कैसे काम करता है। तो चलते हैं अपनी काम की तरफ और आपको दिखाते हैं कि हमारा AHU किस तरह काम करता है। सो, ये हमारा है एक AHU यूनिट, एयर हैंडलिंग यूनिट। जैसा कि आप सब देख सकते हैं कि इसकी ये डक्ट लगी हुई है, ये सप्लाई की डक्ट हमने लगाई है। यहाँ से जो है एयर वगैरह नीचे जाएगी। और अब हम आपको दिखाते हैं इसके इंटरनल पार्ट्स वगैरह के, इसके इंटरनल पार्ट्स किस तरह के होते हैं। जैसे कि देखें, ये मेड इन मलेशिया का है, ब्रांड है। और अभी हम इसे ओपन करते हैं और हम आपको दिखाते हैं। ये इसका साइड ग्लास लगा हुआ है, जहाँ से हम देख सकते हैं कि अंदर से ब्लोअर चल रहा है नहीं चल रहा। ये देखिए, ये इसका सेफ्टी गार्ड लगा हुआ है पुली के ऊपर, मोटर के ऊपर। और वो उसका अंदर से कॉइल है, ये वाला सारा, ये वाला। और वो उसका AX भी लगा हुआ है, वो डिस्ट्रीब्यूटर लगा हुआ है। और ये हमारी मोटर लगी हुई है, जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी मोटर है, ये वाली वैल्यू। और ये हमारा लगा हुआ है ब्लोअर, ये देखें, जैसा कि आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये हमारा लगा हुआ ब्लोअर और ये हमारी पुली लगी हुई है, बेल्ट लगा हुआ है, सेफ्टी गार्ड है। और ये हमारा है AHU एयर हैंडलिंग यूनिट। जैसा कि आप सबको पता है कि हमारा AHU किस तरह काम करता है, तो होप्स हो कि मुझे ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो अभी हम इसको बंद कर देते हैं। और ये हमारा साइड ग्लास, जहाँ से हम देख सकते हैं। और इसके अंदर इसकी लगी हुई है, सारा इलेक्ट्रिक पैनल लगा हुआ है इसके अंदर। सो, अभी हम आपको दिखाते हैं जो इसके फिल्टर्स वगैरह लगे हुए हैं, वो हमने किस तरह लगाए हैं। जो इसके प्री फिल्टर्स वगैरह और बैक फिल्टर्स हैं, ये देखें, ये इसका फिल्टर वाला पोर्शन आ गया। इजीली आप फिल्टर निकाल सकते हैं, फिल्टर वगैरह डाल सकते हैं। ये भी हमारा फिल्टर की टाइप है, ये देखें। अभी जैसे कि हमने नए फिल्टर इंस्टॉल किए हैं इसके अंदर, और ये अभी हम इससे डाल रहे हैं। और यहाँ से हमारा ये फिल्टर है, इसको हम रिप्लेस भी कर सकते हैं जब हमारा गंदा हो सकता है। और ये देखिए, इसका यहाँ से कॉइल है। फिल्टर का मकसद ये है कि जो डस्ट पार्टिकल्स हैं कॉइल में ना जाएं, और कॉइल साफ रहे और फिल्टर वगैरह हमारे गंदे हो जाएँ। जैसा कि हमने आपको फिल्टर वाला पोर्शन भी दिखा दिया, और अब हम इसको कर देते हैं बंद। ये हमने इसको कर दिया बंद। और जैसा कि अभी हम आपको दिखाते हैं कि जो इसकी रिटर्न है, वो हमने यहाँ पे छोड़ी हुई है नीचे, और ये यहाँ पे हमने इसके आगे फिल्टर्स लगाए हुए हैं। ये हमारी रिटर्न है, और हमने इसको रिटर्न को ओपन छोड़ा हुआ है, और ये हमारे फिल्टर्स लगे हुए हैं। और जैसा कि आप देख सकते हैं, ये हमने इसकी सक्शन लाइन लगा दी है, ये वाली। और ये हमारी लिक्विड लाइन लगा दी है हमने, और ये इसकी ड्रेनेज वगैरह लगा दी है। ये देखिए, जैसा कि आप देख भी सकते हैं, हमने उस पर बकायदा मेंशन किया हुआ है। ये हमारी, और ये इसकी हमारी डीबी है, इलेक्ट्रिकल डीबी। और हमने इसको पावर सप्लाई यहाँ से दी हुई है। अभी हम आपको दिखा देते हैं खुलवा के, ये देखें। जैसा कि अभी हम खोलते हैं, तो हम आपको दिखाते हैं, ये देखें, ये हमने काम किया है। ये इसका नीचे से मेन ब्रेकर है, ये आगे छोटे ब्रेकर लगाए हुए हैं, सब ब्रेकर लगाए हुए हैं। ये इस तरह काम करते हैं। और अब हम आपको लेके चलते हैं जी इसकी आउटडोर की तरफ। जैसा कि सेम हमारा ये जो VRV टाइप है, ये भी इस तरह बिल्कुल वैसे ही है, ये भी उस तरह ही काम करेगा। और ये इसके साथ हमने ये आउटडोर कनेक्टेड किया हुआ है, सक्शन लाइन, डिस्चार्ज लाइन। और ये हमारा डाइकन का आउटडोर है, इसके अंदर एक मैसेज लगा हुआ है, फैन लगा हुआ है, इन्वर्टर कार्ड है, फिल्टर कार्ड है। सेम इसको वैसे ही सप्लाई जाएगी जैसे, और रेफ्रिजरेंट से चलेगा, रेफ्रिजरेंट जाएगी उसके अंदर, कॉइल के अंदर हीट एक्सचेंज होगी, तो ठंडी हवा नीचे चली जाएगी, एग्जॉस्ट फैन बाहर से ले लेगा वो, जैसा कि हम आपको दिखा चुके हैं। और उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी वीडियो की समझ आई होगी। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए इंतजार कीजिएगा, इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो के साथ आपके साथ हाजिर होंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सो, अल्लाह हाफिज़।